नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पराशर और आज हम चलेंगे हरिद्वार व महाकुंभ मेले में और जानेंगे अखाड़ों व नागा साधुओं के शाही स्नान की विधि। दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर सड़क मार्ग द्वारा लगभग 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश लगभग यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर, कुछ ही दूरी पर ज्वालापुरी व कनखल। दोस्तों, सनातन धर्म व शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में हरिद्वार का बहुत बड़ा महत्व है। भारत के देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के प्राचीन व प्रमुख नगरों में से हरिद्वार नगरी बहुत पवित्र मानी गई है, जो समुद्र तल से लगभग 1030 फीट की ऊंचाई पर गंगा नदी तट पर स्थित है, जिसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार का अर्थ है हर अर्थात शिव और हरि अर्थात विष्णु, यानी कि ईश्वर तक पहुंचने का द्वार या मार्ग। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक बार सुर और असुरों में संघर्ष हुआ, जिसमें उन्होंने विराट मंदराचल को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर सागर मंथन किया। दोस्तों, सागर में से 14 रत्न निकले, जैसे विष, वारुणी, पुष्पक विमान, ऐरावत हाथी, श्रेक अश्व, लक्ष्मी, रंभा, चंद्रमा, कौस्तु की मणि, कामधेनु गाय, विश्वकर्मा और धन्वंतरी और अमृत कुंभ। कुंभ का अर्थ होता है कलश या घड़ा। जब धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले तो देव और दानव दोनों ही अमृत प्राप्त करना चाहते थे, पर इंद्रपुत्र जयंत ने अमृत कलश प्राप्त कर लिया। वे 12 वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे और 8 बार देवलोक व 4 बार पृथ्वी लोक पर कलश रखा, जहां अमृत की कुछ बूंदे छलक कर क्रमशः उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार में छलक पड़ी। दोस्तों, जहां हरिद्वार में अमृत की बूंदे गिरी, आज हम उसे ब्रह्मकुंड व हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। जहां अमृत की बूंदे गिरी, उन 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ व 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ के बाद 3 वर्ष पश्चात दूसरी जगह महाकुंभ व 1.5 वर्ष बाद अर्धकुंभ आता है। इस प्रकार 12 वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ पड़ता है। पूरे देश विदेश से श्रद्धालु, तीर्थयात्री व साधु महात्मा और अखाड़ों के नागा साधु, जिनका विशेष शाही स्नान का आयोजन बड़े धूमधाम से झांकी व शास्त्र विधि द्वारा ब्रह्मकुंड स्नान संपन्न होता है। दोस्तों, पद्म पुराण में उल्लेखित अनुसार हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई माँ गंगा जब हरिद्वार पहुंची तो भगवान विष्णु के चरण यहाँ पड़े, इसलिए इसे हर की पौड़ी कहा जाता है, जिसे स्वर्ग का द्वार व मोक्ष दायिनी गंगा द्वार भी कहा जाता है। जो मनुष्य यहाँ माँ गंगा में स्नान कर, श्री हरि के दर्शन कर व माँ गंगा के दर्शन कर परिक्रमा करता है, वह दुखों के भागी कभी नहीं होते। उनके लिए मोक्ष व स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। पांडवों को भी यहाँ स्नान करने के बाद ही स्वर्ग के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, जिसका उल्लेख भीष्म पुलस्त्य संवाद महाकाव्य में उल्लेखित है। वह हर की पौड़ी से थोड़ी दूरी पर भीमगोड़ा भी स्थित है। कैलाशी मंडली हर की पौड़ी पर बम भोले हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
दे नहीं। भोलेनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। शंभुनाथ भोलेनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। नहीं कहीं भी बैठ जाओ, उधर से देखेंगे आरती। इधर इतने पानी जा रहा है, बाहर लेते चलो। पानी ज्यादा छोड़ दिया। नहीं नहीं, हाँ ये पत्थर जम गए हैं, उससे आगे गहरा है। मैं होके आया हूँ, मैं होके आया हूँ। यहाँ तक गहरा है, यहाँ तक जाओ, चेक करके आओ और आगे जाओ। और थोड़ा धीरे धीरे जाना, और थोड़ा। अब सीढ़ियाँ उतरेंगी, और उतरेंगे हम तो जाओ। बाप तेज है, यहाँ तक के बाद कमला नहीं जाता फिर। हाँ नहीं, वो अलग तुम लोग कर लोगे ना। चलो भाई चलो, अगर कैलाशियों का समागम हर की पौड़ी पर बहुत ही सुंदर। देखिए कैलाशियों का समागम, बम बम भोले कैलाशी परिवार।
महादेव, हर हर 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 महादेव, बाबा आज शिवलिंग लगा रखो, हर हर महादेव, हर हर हो रही ना जो इन्होंने रुद्राक्ष पहना है, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महादेव शिवलिंग के दर्शन, जय हो जय हो। रात को ये मंदिर बंद था, जय हो, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।